आज हम फूड टेस्टर बना रहे हैं। ये दूध है 1 लीटर, ये अंगूर के दाने, ये अनार, सेवफल और आम, और ये वेनिला टेस्टर है और चीनी है। अब हम देश जलाएंगे और उसमें 1 लीटर दूध डालेंगे। इसमें से हम ठंडा ही दूध निकाल लेंगे। वेनिला तस्तर धोलने के लिए तस्तर पाउडर ठंडे दूध में ही धोलते हैं। अब दूध में उबाल आ रहा है, जब तक हम फल होने तो तैयार कर लेते। तब ये हमने आम तातर तैयार कर लिए हैं। अब ये वेनिला तो हम दूध ठंडे दूध में धो लेंगे। वेनिला तस्तर तो जी हमारा तस्तर धुलता तैयार है। दूध में उबाल आ गया है। देश तो तम तरेंगे और हम तस्तर तो डालेंगे। हम धीरे धीरे तस्तर डालते जाएंगे और चम्मच से तले से लेकर चलाते जाएंगे कि ये नीचे लदे नहीं। अगर नीचे लग जाएगा तो खराब हो जाएगा, इसलिए इसको इस तरीका चलाते रहना है। जब तक दाहरा होएगा जब तक हम इसको चलाते रहेंगे। तब इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से तम ज़्यादा डाल सकते। ये हमारा तस्तर दाहरा होने लगा है। 2 मिनट और पकाएंगे इसको। ये हमारा तस्तर बनकर तैयार है। अब हम इस देश बंद करते इसको नीचे उतार लिया है। ये ठंडा हो जाएगा, जब हम इसमें तते हुए फल डालेंगे। ये हमने आम ताते हैं, इसको हम पेस्ट बनाएंगे। इसमें भी हम थोड़ी सी चीनी डालकर आम तो पीसेंगे। ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। और बीच बीच में हम तस्तर पाउडर तो मिलते तो चलाते रहेंगे कि इसमें मलाई नहीं जमे। ये मेंदो ताते रख लिए। अब सेवफल तो छिलेंगे और इसको छोटे छोटे तोते, और ये अंगूर हमने धोता साफ तल लिए हैं। ये हमारा तस्तर ठंडा हो गया है। इसमें हम मेंदो ता पल पेस्ट तो डालेंगे। अब दोनों तो मिलाएंगे। ये हमारा मेंदो का पेस्ट मिलकर तैयार है। अब इसमें तते हुए आम, अंगूर के दाने, सेवफल तते हुए फल आप अपने हिसाब से जो आप तो पसंद हो वो डाल सकते। अब हमने इसको बाउल में निकाल लिया है और इसको सजाएंगे अंगूर के दानों से, सेवफल से, आम से। जब हम तते हुए आम डाल रहे हैं, ये तते हुए सेवफल, अब हम काजू तात्ते भी डालेंगे। अब पिस्ता डालेंगे। अब अनार के दाने डालेंगे। हमारा तस्तर बनकर तैयार है। अब इसको 2 घंटे के लिए फ्रीज में रखेंगे, फिर ठंडा ठंडा सर्व करेंगे।